Hello children, in this video, we will do while loop. A while loop is a conditional loop that repeats the instructions within itself as long as a condition remains true. While loop, वो loop है जो अपनी instructions को repeat करता है जब उसकी condition क्या होती है, true होती है. राइट, व्हाइल लूप क्या है? एक कंडीशनल लूप है जो अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपनी स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है. राइट, इट इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप बिकॉज इट कंट्रोल्स द एंट्री इन द लूप बाय टेस्टिंग अ कंडीशन. व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं क्योंकि लूप के अंदर एंट्री करने से पहले क्या होता है, कंडीशन टेस्ट होती है. राइट, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट अलाउज टू एंटर इन द लूप. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर एंटर कर सकते हैं. इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट डज नॉट अलाउ टू एंटर इन लूप. और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आप लूप बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते. Okay, so while is a entry control loop, right? Which does not allow entry in the loop if the condition is false, right? Now here we have the syntax of the while loop. A while loop का syntax देखो के, while, okay, test expression or test condition, right? यहाँ पे आपको condition लेनी है. Okay, and then if the condition is true, then you will go inside the body of loop. Okay, one more syntax we have here with else, while test condition, right? Okay, if the condition is true, okay, then you will go inside the body of the loop. And here we have else part also. ठीक है, यहाँ पे हम दो syntax मैंने show किए हैं. एक तो simple while है and another we have while with else, right? Else part is optional, okay? आप else को use भी कर सकते हो while के साथ, और आप if you want you can use it, otherwise not, right? तो यहाँ पे आपने else, if condition is true then the body of the loop will execute. ठीक है, अगर condition true है तो loop body execute करेगी, statement execute करेंगी. और अगर फॉल्स है तो इस केस में क्या होगा, ये else पार्ट पे चला जाएगा और else पार्ट की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी. राइट, नेक्स्ट, अ व्हाइल लूप हैज फोर एलिमेंट्स. व्हाइल लूप के फोर एलिमेंट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप, अपडेट स्टेटमेंट, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाइल लूप को समझने के लिए आपको इन फोर एलिमेंट्स को अच्छे से समझना होगा कि ये फोर एलिमेंट्स क्या हैं. फर्स्ट वी हैव इनिशियलाइजेशन. राइट, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन है. बिफोर एंटरिंग इन अ व्हाइल लूप इट्स लूप वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड. दैट इज the loop variable should have a value before entering in while loop. So what does it mean? इसका meaning क्या है? इसका meaning ये है कि जब आप while loop use करते हैं, ठीक है, okay, while loop में enter करने से पहले जो भी variable आप while loop के अंदर use कर रहे हो, ठीक है, वो वेरिएबल आपको पहले से ही इनिशियलाइज्ड करना है. इनिशियलाइज्ड मतलब उस वैल्यू में पहले से ही, उस वेरिएबल में पहले से ही वैल्यू होनी चाहिए. ओके, वन मोर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग. व्हाइल लूप में एंटर करने से पहले जो भी वेरिएबल आप व्हाइल लूप में यूज कर रहे हो, कंट्रोल वेरिएबल, हम इसे कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल भी बोलते हैं, जो लूप की कंडीशन में, लूप के टेस्ट एक्सप्रेशन में यूज होता है. राइट, तो आपको लूप में एंटर करने से पहले उस वेरिएबल को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है. इनिशियलाइज मतलब मीनिंग होता है उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है. राइट, नेक्स्ट इज
टेस्ट कंडीशन, सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल को, कंट्रोल वेरिएबल या लूप वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, वैल्यू प्रोवाइड कर दी, राइट। सेकंड हमारा क्या है, टेस्ट कंडीशन और टेस्ट एक्सप्रेशन। द टेस्ट कंडीशन इज अ कंडीशन हुज वैल्यू डिसाइड्स वेदर द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। ओके, अब टेस्ट कंडीशन, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, कंट्रोल वेरिएबल, जिसको हम लूप, जिसको हम व्हाइल लूप में यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसको हमने वैल्यू दी, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई। सेकंड हमारा क्या है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल लूप की कंडीशन चेक करेंगे। ओके, इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज द लूप इज टर्मिनेटेड, नहीं तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फाइन, सो सेकंड, फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज टेस्ट कंडीशन। वी विल टेस्ट द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और not, okay, if it's true you will go inside the loop body and if it is not true then the loop is terminated. Next part is, or next element is body of loop. Okay, the statements that are executed repeatedly as long as the test condition or test expression is true form the body of loop. Okay, next hamara jo element hai wo hai kya hai, वो है लूप बॉडी, द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप। जब आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ओके, देन द कंट्रोल विल गो इनसाइड द लूप बॉडी। कंडीशन ट्रू होने के बाद आपका क्या होगा, लूप बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई है, सिंगल स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, वो एग्जीक्यूट करती रहेंगी रिपीटेडली, वो बार बार एग्जीक्यूट करेंगी जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। ओके, देन वी हैव अपडेट स्टेटमेंट। लूप बॉडी कंडीशंस स्टेटमेंट्स हमारी बार बार, आई टोल्ड यू, हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती रहेंगी जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके, नेक्स्ट वी हैव अपडेट स्टेटमेंट। द अपडेट स्टेटमेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल, इट एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। अपडेट स्टेटमेंट क्या है, जो आपने लूप वेरिएबल स्टार्टिंग में लिया था, सबसे यहाँ पे लूप वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले आपने उसको इनिशियलाइज किया, मतलब उसको वैल्यू प्रोवाइड की, एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की, फिर आपने उसको लूप एक्सप्रेशन और कंडीशन में यूज किया उस वेरिएबल को, राइट। उस वेरिएबल को यूज करने के बाद अब क्या है, उस जो एक इनिशियल वैल्यू थी, उस वैल्यू को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जिससे कि क्या हो, लूप हमारा एंड हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने एक ही वैल्यू ली और अपने लूप वेरिएबल को उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, तो आपका ये क्या बन जाएगा, इनफिनिट लूप बन जाएगा, राइट, वो चलता ही रहेगा लूप। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप को एंड भी करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अपडेट स्टेटमेंट। द अपडेट स्टेटमेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल, इट एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। और अपडेट स्टेटमेंट हम कहाँ देते हैं, लूप बॉडी के अंदर, राइट। अब हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल से एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा लूप वेरिएबल आई, फाइन, आप इसको कंट्रोल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, आई और इज द लूप वेरिएबल। जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मींस टू प्रोवाइड वैल्यू टू द वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने आई में क्या वैल्यू स्टोर करवा दी है, वन, आई को इनिशियलाइज्ड कर दिया है विद वन, राइट। ओके, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने वाइल के अंदर क्या दिया है, टेस्ट कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है, और देखो आई को ही यूज किया है, राइट, लूप वेरिएबल को यूज किया है, और हमने कंडीशन क्या दी है, आई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको ये कॉलन पुट करना है, कंडीशन के बाद आपको ये कॉलन पुट करना है, राइट, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, आई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 1। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है,
1, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 10, ट्रू होने की, ट्रू होगी तो क्या होगा, लूप बॉडी के इनसाइड हम लोग एंटर करेंगे, फाइन, बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू. ओके, इन बोर्ड, इन लूप बॉडी वी हैव, फर्स्ट वी हैव प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट आई. तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 आपका प्रिंट हो जाएगा, फाइन. आप देन आपका क्या है, अपडेट स्टेटमेंट, आपको लूप वेरिएबल को अपडेट किया है. आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई प्लस इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे दो वैल्यू लेके देख लेते हैं इसको. जैसे फर्स्ट हमारा आई है और सेकंड हमारा क्या हो गया, आई प्लस 1, राइट. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 1 हियर, और आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ओके, अब आई की वैल्यू अपडेशन के बाद क्या हो गई, 2. अब अगेन इट विल गो अप, द कंट्रोल विल गो अप, यहाँ पे जाएगा कंट्रोल. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 2. अब फिर से कंडीशन क्या होगी, चेक होगी, ठीक है. कंडीशन चेक होगी, 2 इज स्मॉलर देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 2 क्या है, 10 से स्मॉल है. अब कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, लूप बॉडी में जाएंगे. अब लूप बॉडी में जाएंगे तो हमारे कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट आई. तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि अब वैल्यू ऑफ आई क्या है, 2, राइट. ओके, अब 2 प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट अपडेट स्टेटमेंट पे जाएगा. अपडेट स्टेटमेंट पे जाने के बाद क्या है, आई प्लस 1, ठीक है. तो अभी यहाँ पे आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है. ओके, 2 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, फाइन, 3 हो जाएगा. अब कंट्रोल अगेन क्या होगा, ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक के पास जाएगा. यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 3 है. ओके, 3 इज स्मॉलर देन 10, राइट. तो क्या होगा, आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा, लूप बॉडी के अंदर जाएगा, और क्या होगा, आपका 3 प्रिंट हो जाएगा. देन इट विल गो डाउन, यहाँ पे क्या है, आई प्लस 1, आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है. अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 3, क्योंकि आई में पहले क्या था, 3, राइट. आपने 3 के साथ क्या कर दिया, आपने 3 के साथ कर दिया प्लस 1, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, फाइन. नाउ द कंट्रोल विल गो अप. ओके, यहाँ पे 4 क्या है, स्मॉलर है 10 से, तो आपकी कंडीशन ट्रू है. इट विल गो इनसाइड द लूप बॉडी, प्रिंट आई, तो आपका 4, अभी आई की वैल्यू 4 है तो आपका प्रिंट हो जाएगा 4, फाइन. देन इट विल गो टू द अपडेट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है, आई प्लस 1 है, ठीक है. आई प्लस 1 है तो आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5, फाइन. अब वो ऊपर जाएगा कंट्रोल, इट विल चेक, यस 5 इज स्मॉलर देन 10. ओके, देन कंडीशन इज ट्रू, इट विल गो इनसाइड द लूप बॉडी. ओके, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है तो अब आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट 5. ओके, ऐसे करके क्या होगा, बार बार रिपीट होगी आपकी स्टेटमेंट्स. अब नाउ इट विल गो डाउन, आफ्टर प्रिंटिंग 5 इट विल गो डाउन. नाउ आई प्लस 1, आई प्लस 1 इज इक्वल टू 6, राइट. यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, फाइन. ओके, आई प्लस 1 इज इक्वल टू 6, राइट. इट विल गो अप, अब यहाँ पे जाएगा, कंडीशन ट्रू है, 6 इज स्मॉलर देन 10, इट विल प्रिंट आई, आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर, राइट. नाउ आई प्लस 1, 7, ओके, कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन 10, देन इट विल प्रिंट 7, ओके. देन इट विल गो टू द अपडेट स्टेटमेंट, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ओके. देन इट विल गो अप, 8 इज स्मॉलर देन 10, ओके. 8 क्या है, स्मॉल है, अगेन आपके लूप बॉडी में जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा, 8 को प्रिंट कर देगा, ओके. देन आपकी
अब रेस स्टेटमेंट पे जाएगा 8 + 1 9, अगेन वी विल चेक द कंडीशन 9 is smaller than 10, ओके, देन इट विल गो इनसाइड द लूप बॉडी एंड इट विल प्रिंट i, तो आपका क्या होगा 9 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ओके, देन इट विल गो टू द अपडेट स्टेटमेंट 9 + 1 = 10, ओके, अब i की वैल्यू 10 हो गई है, इट विल गो अप 9, 10 = 10, still the condition is true because 10 = 10, so it will go down, okay, and then it will print 10, right? Now i ki value kya ho jayegi, 10 + 1 = 11, fine, 10 + 1 = 11, ab wo upar jayega condition check karega, 11 is neither smaller than nor equal to 10, तो अब आपकी कंडीशन हो गई है फॉल्स, जैसे ही वो 11 हुआ तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा यहाँ पर, ओके, आफ्टर रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स 10 टाइम्स इट विल बी टर्मिनेटेड, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम else के साथ, Python program to illustrate while loop with else statement. यहाँ पे हम else का use कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया i जिसको इनिशियलाइज किया है विद 0, ठीक है, उसको वैल्यू दी है 0, एक और वेरिएबल लिया है सम जिसको हमने वैल्यू दी है 0, ओके, हम वी हैव टेकन टू वेरिएबल्स एंड वी हैव इनिशियलाइज्ड देम विद द 0, ठीक है, ओके, नाउ आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल वी विल गो inside the loop, okay? अब यहाँ पे हमने while में initialization के बाद second हमारा element क्या होता है, test condition. अब हमें यहाँ पे condition देनी है while के साथ. While i is smaller than or equal to 10, okay? हमने यहाँ पे वही same concept दिया है कि i की value क्या है जब तक कि 10 से small नहीं है, right? तब तक क्या हो? तब तक sum plus is equal to i, sum plus is equal to i का मीनिंग क्या हो गया, जो मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले वाले एग्जांपल में, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है sum is equal to sum plus i, right? इसका मीनिंग है sum plus i, okay? Right? हमने लूप बॉडी में क्या स्टेटमेंट दिए, sum is equal to sum plus i, और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिए, i plus is equal to 1, इसका हमारा मीनिंग क्या होगा, i is equal to i plus 1, fine? And then we have given the else part. अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, i की वैल्यू 0 है एंड 0 इज स्मॉलर देन 10, 0 क्या है 10 से स्मॉल है, नाउ द कंट्रोल विल वी विल एंटर इनसाइड द लूप बॉडी, अब यहाँ पे देखो सम, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सम इज इक्वल टू i, दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस i, तो सम की वैल्यू हमारी 0 है, राइट, एंड i की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, सम की वैल्यू भी 0 है और i की वैल्यू भी 0 है, तो अभी हमारा सम क्या आ गया, अभी हमारा सम हो गया 0, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें s, हमने यहाँ पे सम बना लिया और यहाँ पे हमने i की वैल्यू दे दी, ठीक है, अभी हमारा सम 0 आया है, राइट, ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अपडेट स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू i प्लस 1, राइट, तो अभी i की वैल्यू आपकी 0 थी, उसमें आपने क्या किया, प्लस 1 कर दिया, तो i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, फाइन, i की वैल्यू आपकी 1 हो गई, राइट, देन इट विल गो अप, i की वैल्यू क्या है, 1 है एंड 1 इज स्मॉलर देन 10, राइट, देन इट विल गो डाउन, अब यहाँ पे क्या है, ये नीचे जाएगा, अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी लूप बॉडी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम हमारा भी 0 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 0 + 1, राइट, 0 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 1, 0 + 1 आपका क्या बन जाएगा, 1, फाइन, सम की वैल्यू अब 1 हो जाएगी,
राइट एंड आई की वैल्यू ऑलरेडी वन है, उसमें आप प्लस वन कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। राइट, अब यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी टू और सम की वैल्यू है वन। फाइन, ओके, देन इट विल गो अप, टू इज स्मॉलर देन टेन, राइट, देन इट विल गो इनसाइड द लूप बॉडी। टू आपका स्मॉल है तो ये लूप बॉडी के इनसाइड जाएगा। ओके, देन सम प्लस इज इक्वल टू आई, सम की वैल्यू क्या थी वन, ऑलरेडी वन है, एंड आई की वैल्यू क्या है टू है, राइट तो अब आपका क्या होगा, वन प्लस टू दैट इज थ्री, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी थ्री, राइट एंड अगेन इट विल गो डाउन, आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू हो गई थ्री एंड आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके यहाँ ओके आई की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। फाइन, ओके, नाउ इट विल गो अप, ऐसे आपका क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा, राइट, आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती रहेगी एंड आपकी सम में भी एडिशन होती रहेगी। अब आई की वैल्यू आपकी थ्री हो गई है, देन क्या होगा, थ्री ऑलरेडी सम के पास थ्री है, ओके, थ्री प्लस थ्री, सम की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिक्स, राइट, थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, राइट, आई की वैल्यू आपकी हो गई फोर बिकॉज थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। फाइन, आई की वैल्यू होगी हमारे पास फोर एंड सम की वैल्यू होगी सिक्स एंड इट विल गो अप, फोर इज स्मॉलर देन टेन, राइट, देन इट विल गो इनसाइड द लूप बॉडी, सम अब आपका क्या हो जाएगा सिक्स प्लस फोर, क्योंकि सम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी सिक्स है और हम इसके अंदर आई की वैल्यू ज्वाइन कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया टेन, राइट, सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन, राइट, नाउ आई की वैल्यू नीचे जाएगी, यहाँ पे फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, ओके, देन इट विल गो अप, यहाँ पे कंडीशन टू है, फाइव इज स्मॉलर देन टेन, तो आपका टेन प्लस फाइव हो जाएगा सम की वैल्यू टू फिफ्टीन, राइट, एंड देन इट विल गो डाउन एंड आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, राइट, ओके, then again the condition will be checked, it is true because 6 is smaller than 10, तो यहाँ पे आपकी 15 plus 6 हो जाएगी, that is 21, fine, sum की value and then I की value क्या होगी, 6 plus 1 that is 7, right, condition check होगी, sum की value, again loop will execute, तो sum की value क्या हो जाएगी, अब 28, 21 plus 7 28, राइट, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8, आई प्लस 1 दैट इज 7 प्लस 1 दैट इज 8, ओके, अगेन द कंडीशन विल बी चेक्ड, राइट, इट इज ट्रू, अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 प्लस 8, राइट, 36 हो जाएगी आई की वैल्यू 36, राइट, एंड सॉरी सम की वैल्यू 36 हो जाएगी, अब इट विल गो डाउन, 8 प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा 9, फाइन, 9, अगेन द कंडीशन विल बी चेक, कंडीशन इज ट्रू, अब यहाँ पे हमारा ओके चेक होगा 9, 36 तो ये हमारे ये हो गया हमारा 45, राइट, ये हमारा 45 हो गया सम, देन आई प्लस 1 दैट इज 10, 10 हो जाएगा आई की वैल्यू, अगेन द कंडीशन विल बी चेक, यस इट इज इक्वल टू 10, अगेन लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, 45 प्लस 10 दैट इज 55, अब हमारा सम हो गया 55, फाइन, एंड देन आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड इट विल बी 11, नाउ अगेन द कंडीशन विल बी चेक, 11 इज स्मॉलर नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ओके, 10 टाइम्स रिपीट होने के बाद अब क्या कंडीशन हो गई, फॉल्स, फॉल्स होने के बाद आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आपका कंट्रोल चला जाएगा एल्स पार्ट पर,
फाइन, else पार्ट पर इट विल गो टू द else पार्ट, और जो else पार्ट की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी. द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर इज सम. तो else पार्ट में हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट कराई है सम की वैल्यू. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर इज 55. फाइन, तो इस तरह से आपका लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करती है. चलो हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं. राइट, पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. हमने आई वेरिएबल लिया, इसको वैल्यू दी 1. राइट, फिर हमने लिया व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में हमने क्या किया, कंडीशन लगाई इज इक्वल टू 10 कॉलन, देन प्रिंट करा दिया हमने प्रिंट आई फाइन, देन आई प्लस इज इक्वल टू 1. फाइन, सेव करोगे, हमने इसको कर दिया C1. You can give any name. F5. F5 press करोगे अब आप. Okay. Now you can see हमारा loop चला और loop चलने के बाद हमको values मिली है 1 to 10, जो अभी हमने समझी थी, right? कि 1 to 10 आपका कैसे आएगा. Fine. अब now else के साथ भी देख लेते हम लोग. Else के साथ I is equal to 0, then हमने सम लिया, सम is equal to 0, while bracket आप लगा भी सकते हो condition में, और आप without bracket भी condition को use कर सकते हो. right, हमने condition दे दी, then इसमें हमने दिया sum plus is equal to 1 first statement, then I plus is equal to 1. right, now the else part, else print the sum of first 10 integers is 5. Now आप यहाँ पे देख सकते हो result आपका. First 10 integer is 11. Let me check कहाँ पे हमने mistake की है. I is equal to 0 है हमारा, sum is equal to this है, while I is smaller than is equal to 10, sum plus print the sum of first 10 integers is sum. By 11. Okay, we did one mistake here. Sum plus is equal to I करना था, right? अब हम इसको करेंगे F5. Sum of first 10 integers is 55, right? So we have done this. We have done while loop in this video. In next video, we will do jump statements, right? Okay. Bye bye.